नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी पीआरटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन पे केस हो चुका है। इसके बाद एक तारीख उसकी लग चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है, जो नेक्स्ट तारीख है, 16 जनवरी 2019 को है। इसके बाद ये सारी बातें शायद पहले डिस्कस हो गई होंगी, आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, ये आपको अपडेट कर दिया होगा इन सब चीज़ों से। तो गाइज, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो एमसीडी पीआरटी का जो केस हुआ है उसमें क्या मुद्दे थे। ये आपको बिल्कुल पता होगा, उसमें मुद्दा था रिपीटेड क्वेश्चन, सेकेंड 30 वाला जो पेपर हुआ था उसमें चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, तो ये भी बात हमने बिल्कुल मान ली, ये सही है, क्योंकि जो चीज़ें थी वो अनएक्सपेक्टेड थी और जहाँ तक है नॉर्मलाइजेशन में उनको बेनिफिट भी मिलने वाला है। और अभी देखते हैं क्या होता है, अभी कोर्ट ने कोई फाइनल डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो अभी केस हुआ है उसमें जो साथी हैं जिन्होंने केस किया है तो उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, तो जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं उस वीडियो को पब्लिक नहीं करना चाहता। अगर आप वो कैट का ऑर्डर और वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने वोटिंग भी कराई थी, ऑनलाइन पोल भी हुआ था, जिसमें 72% साथी ऐसे हैं जो इस केस से खुश नहीं हैं। तो जो वीडियो आया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जिन साथियों ने केस किया था उनमें से एक साथी थे, उन्होंने क्या कहा है उस वीडियो की मैं कुछ वर्डिंग्स आपको बता देता हूँ। हालांकि वो वीडियो मैंने यहाँ पे डाली नहीं है, लेकिन जो उसके वर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो उस वीडियो में कहा है कि मैं उन सब का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा है यूट्यूब वाले हैं उन पर टारगेट किया है कि यूट्यूब वालों का भी, जिन्होंने कहा था कि केस हुआ ही नहीं है, मतलब पैसे बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि केस हुआ ही नहीं है, तो उन साथियों का भी मैं आभारी हूं। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही है, और आप कमेंट में बिल्कुल बताएं कि आप उस बात से खुश हैं या नहीं है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना मैं किसी के विपक्ष में हूं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि वही बच्चा सिलेक्ट हो जिसने मेहनत की है, धांधलेबाजी ना हो। मतलब उनका मानना है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं इन एग्जाम्स में, वो धांधलेबाजी है, मतलब वो मेहनती बच्चे नहीं हैं। ओनली 30 वाले और 28 वाले भी सारे बच्चे उनके साथ नहीं हैं, ओनली 30 वाले मेहनती बच्चे हैं। और 30 वाले भी क्या, सिर्फ 20 जो बच्चे हैं वही मेहनती हैं, और बच्चों ने बिल्कुल मेहनत नहीं की है। तो उनका मानना है कि मैं चाहता हूं कि वही बच्चा सिलेक्ट हो जिसने मेहनत की है, धांधलेबाजी ना हो। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे और हैं वो जो सिलेक्शन उनका होता है तो वो मेहनती बच्चे नहीं हैं, उन्होंने मेहनत नहीं की है, धांधलेबाजी है। इसके बाद उन्होंने आगे क्या कहा है कि जो एविडेंस हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जाम है वो 99% रिकंडक्ट होगा। उन भाई साहब का दावा है कि जो एविडेंस उन्हें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम है 99% रिकंडक्ट होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैं आज भी उसी बात पे कायम हूं कि एग्जाम बिल्कुल रिकंडक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर लक खराब है और क्या कह सकते हैं आगे क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी एग्जाम रिकंडक्ट होगा। इसके बाद बच्चों के बीच में फेयर कंपटीशन होना चाहिए, वो चाहते हैं कि बच्चों के बीच में फेयर कंपटीशन हो। जो ये कंपटीशन हुआ है फेयर नहीं है। देखो गाइस, मैं आपको सिंपली एक बात और बता देता हूँ, हालांकि जो ये सारी सिचुएशन हो रही है वो DSSB के वजह से है, क्योंकि DSSB का जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है वो बिल्कुल बच्चों को पसंद नहीं आया। मैंने वोटिंग भी कराई थी, उसमें बच्चों ने सीधे तौर पर कहा है कि जो एग्ज़ाम लिया है DSSB ने उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो एग्ज़ाम जो लिया है उससे खुश नहीं है बच्चे, और इसी कारण जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है
जो ये सारी बातें हो रही हैं इसी वजह से है, अदरवाइज एक दिन एग्जाम हो जाता और सारी चीजें सॉल्व हो जाती। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बच्चों के बीच फेयर कंपटीशन होना चाहिए। साथ ही आप एक बात बिल्कुल सुन लीजिए, फेयर कंपटीशन की मैं बात बता देता हूँ, अगर एग्जाम कैंसिल हो सकता है, हो गया, अगर हो जाता है तो सीटेट वाले न्यू साथी आपके साथ बिल्कुल ऐड होंगे, बीएड वाले आपको पता है बीएड वाले जो हैं वो भी ऐड होंगे। तो आप फेयर कंपटीशन समझ सकते हैं कि कैसा फेयर कंपटीशन आपके साथ होने वाला है, खासतौर पे पीआरटी वालों के साथ। और जो ये सिचुएशन हो रही है कि पीआरटी वालों को ही टारगेट किया जा रहा है, और जो ये डीएसएसबी ने सिचुएशन कर दिया, आज मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने केस किया है वो गलत है, ये सारी सिचुएशन जो हुई है ये डीएसएसबी की वजह से है कि उन्होंने एग्जाम जो लिया है बहुत ही गलत तरीके से लिया है, इससे अच्छा तरीका और हो सकता था। और आज ये सिचुएशन हो गई है कि अब नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ख़ासतौर पे वो सभी साथी दुखी हैं जिन्होंने मेहनत की है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वो साथी हैं उसमें जिन्होंने केस किया है कि जिन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन जो सिचुएशन हो गई है बहुत खराब हो चुकी है। और देखते हैं अभी क्या होता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरा सहयोग करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। और उन्होंने ये भी बात कही है कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा। तो गाइस आप अपने व्यूज जरूर दें कि जो ये केस हो रहा है या जो बातें ये साथी बोल रहे हैं, क्या आप उनसे खुश हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो भी देख सकते हैं कि कितने साथी उनके साथ हैं। और गाइस जैसा अभी हो रहा है ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप सभी के साथ हो। मैं ये नहीं चाहता कि 30 वाले हैं उनको बहुत नुकसान मिले, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि इससे सभी साथियों का नुकसान है जो वेट कर रहे हैं। तो गाइज़ गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।